कल जब पुष्कर भैया अचानक से गायब हो गए तो मैं परेशान हो गई थी और घबराहट के मारे मैंने सीधा आर्या सर को कॉल लगाया। उन्हें मैंने आपके बारे में जो कुछ जानती थी सब कुछ बता दिया। पुष्कर भैया को ढूंढने में मैंने आर्या सर की मदद ली और जब हम इस बंगले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे तब हमें पता चला कि पुष्कर भैया कल रात से बाहर निकले ही नहीं है। हमें तभी समझ आ गया था और बस आर्या सर और मैं कुछ ही घंटे पहले इस घर में आए, छुप गए और जब आप बिजी हो गई तब हमने पुष्कर भैया को ढूंढ निकाला। पुष्कर भैया आप ठीक है ना? संभाल कर। ओके हाँ ठीक हो जानवी? हाँ भैया। मैं तुमसे माफी के लायक तो नहीं हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आरी तुमसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं तहे दिल से तुम्हें माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। आर्या, अनुष्का बहुत ही खतरनाक औरत है और उसका सच सबके सामने आना जरूरी है और ये सच को सबके सामने लाने के लिए मैं आप दोनों की मदद करूंगा। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। सॉरी। फिर मुझे पुष्कर भैया ने सब कुछ सच सच बता दिया कि क्या मेरा नहीं तुम्हारा और रोहन का बेटा है। बाकी की सारी कहानी तो तुम मुझे ऑलरेडी अंधेरे में उगल चुकी हो। अनुष्का दी आपके लालच ने आपको एक बहुत ही खुदगर्ज और बुरा इंसान बना दिया। आपने हमारे जज्बातों के साथ कितनी बेरहमी से खेला। अगर तुम्हें पैसा चाहिए था या ऐसो आराम चाहिए था मुझसे सीधा सीधा आके मांग लेती, मैं तुम्हें यूं ही दे देता। आखिर कियान की माँ जो हो तुम, लेकिन तुमने अपना इतना घटिया गेम प्लान बनाया। अरे तुम जैसों के लिए तो नरक में भी कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो आर्य। जानवी जानवी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। आप किस मुंह से माफी मांगेंगे? अनुष्का, जब तक जानवी का पति जिंदा है उसका बाल तक बाका नहीं हो सकता। तुम कुछ नहीं कर सकती। चाकू नीचे गिरो। आगे बताना। अनुष्का चाकू नीचे गिरो। अनुष्का अनुष्का आगे बताना। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। चाकू नीचे गिरो। अनुष्का आगे बताना। जानवी गेम ओवर। अनुष्का गेम ओवर।